हेलो दोस्तों, तो आज हम बनाने जा रहे हैं तड़के वाली दाल, लहसुन या तड़के वाली दाल। इसके लिए हमने दाल मखनी वाले दाल यूज़ किए हैं। तो दाल मखनी वाला जो दाल था उसको मैंने रात को ही भिगो लिया था क्योंकि मुझे लंच में बनाना था। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने कुकर ले लिया, कुकर गर्म होने पर हमने तेल डाल दिया। यहाँ पर मैं सरसों तेल यूज़ कर रही हूँ, आप बटर, घी, रिफाइंड तेल कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर जीरा डाल देंगे, फिर कटे हुए अनियन, टमाटर, नमक, धनिया पाउडर, हल्दी, लाल मिर्च, दाल मखनी मसाला। इससे टेस्ट बहुत इन्हेंस हो गया था मेरा, आप लोग भी जरूर ट्राई कीजिएगा। पानी, और इसे हम मसाले को हम अच्छे से भून लेंगे जब तक हमारा तेल अलग ना हो जाए। कुकर को हम ढक लेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं तेल हमारा अलग हो चुका है, मसाला हमारा अच्छे से पक चुका है। अब हम इसमें दाल डाल देंगे जो हमने रात को भिगो के रखा था। आप चाहे तो ऐसा भी बना सकते हैं कि पहले दाल को अच्छे से उबाल लें एंड देन फिर हम बाद में तड़का लगाएं, बट मैं यहाँ पे इकट्ठे ही सब चीज़ कर रही हूँ, एक ही साथ में बना रही हूँ। पानी हमने इसमें गरम डाला है, मुझे यहाँ पे पानी कम लग रहा था तो दोबारा मैंने गरम करके पानी डाला है। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से और ढक्कन लगा के, कुकर का ढक्कन लगा के सीटी लगने का इंतजार करेंगे। यहाँ पे मैंने कम से कम 6-7 सीटी लगाया था क्योंकि दाल गलने में टाइम लगता है। हमारा दाल तैयार हो चुका है। अब हम इसके लिए तड़का तैयार करते हैं। घी ले लिया मैंने यहाँ पर, हींग और लहसुन डाल देंगे। लहसुन को अच्छे से पकने देंगे क्योंकि इसी का टेस्ट सबसे अच्छा आएगा हमारे दाल में, इसलिए इसका नाम लहसुन या तड़का दाल नाम रखा है। फिर ढेर सारा धनिया पत्ता डाल देंगे हम इस पर। अगर मगर हम चावल के साथ, रोटी के साथ, किसी के साथ भी आप खा सकते हैं। आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा कैसी लगी आपको ये रेसिपी। थैंक यू फॉर वॉचिंग and subscribe my channel।